हक से हकीकत तक न्याय दिलाने में सबसे आगे आज सुबह टाइम्स आपकी खबर सबसे तेज। मैं हूं लालचंद सोनी, न्याय की बात करने वाला खास रिपोर्टर। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। पधारो मारो देश, मैं आपको ले चल रहा हूं राजस्थान उदयपुर, जहां आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं फतेहपुर सर्कल पर मौजूद हूं, जहां आप देख सकते हैं हमारे पीछे और इस नज़ारा। उदयपुर शहर, जो झीलों का शहर कहा जाने वाला उदयपुर, बहुत ही सुंदर शहर है। कितने पर्यटक उदयपुर शहर, झीलों का शहर देखने आते हैं। यह उदयपुर ग्रीन सिटी का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर पहाड़ी है और समतल एरिया है और बहुत ही झील चारों तरफ आपके शहर के मिलेंगे। यदि आप राजस्थान आए हैं तो आप जरूर से ज़रूर आपको जयपुर, जहाँ हवा महल है, और अजमेर पृथ्वीराज चौहान जी का किला है, और जोधपुर शहर, जो सूर्य की नगरी कहा जाने वाला यह नगरी है, वहीं पर उदयपुर में आपको झील नज़र आएगा। तो पर्यटकों के लिए यह राजस्थान लुभावना वाला शहर है और यह पर्यटकों को लुभाती भी है। वैसे तो संपूर्ण भारतवर्ष में अनेक भाषा, अनेक रीति रिवाज, अनेक संस्कार, रीत और भाषाओं का आप उल्लेख देख सकते हैं। अनेक सांस्कृतिक रीति रिवाज बने हुए हैं, जहां सभी देश विदेश के सैलानी जब भारत आते हैं तो पर्यटकों के लिए यह भारत लुभावना जैसा बन जाता है। पहाड़ी चारों तरफ आप राजस्थान देख सकते हैं, हिमाचल चले जाइए, पहाड़ी और बर्फ से ढका हुआ, हवाएं सुंदर, और कश्मीर और जम्मू कश्मीर चले जाइए तो अनेक ऐसे स्थानों हैं जहाँ हमारे देश में पहाड़ी है और ठंड एरिया है और गर्मी है और बरसात है, और यह चारों तरफ से आपको यह नज़ारा मिलेगा और कहीं अन्य शहरों अन्य देशों में बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा इस तरह के रीति रिवाज। तो भारत एक है और भारत में अनेक भाषाएं हैं, अनेक खान पान है, अनेक रीति रिवाज है, लेकिन हमारे भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज अनेक होते हुए हम सभी का सिर्फ राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, और हम अपने राष्ट्रीय भाषा को बहुत ही प्यार करते हैं, अपने भारत की सांस्कृतिक रीति रिवाज को बहुत ही लगाव के साथ प्यार करते हैं। उदयपुर के लिए आप झीलों का शहर या राजस्थान बहुत ही जो है सुंदर शहर है। लोग आते हैं राजस्थान का रीति रिवाज, यहाँ की संस्कार रीति रिवाज बहुत ही पुराना, आज देश दुनिया का नाता है। बड़े बड़े ऐतिहासिक महल, सुंदर महल आज भी पर्यटकों को भारत आने के लिए लुभावना जैसा बना रहता है, और यह लुभावना रंगीली राजस्थान, चमकीली राजस्थान, खैर भारत की संस्कार रीति रिवाज या सांस्कृतिक भावनाएं, सभी देश विदेश के लोग भारत को देखना और पहचानना चाहते हैं। वैसे ही हमारा भारत विश्व गुरु है और विश्व गुरु हमेशा रहा है, और यहाँ हमारे भारत में सभी लोग बहुत पुराने, अगर हम बात करें तो नालंदा ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ जो है राजा महाराजा लोग पढ़ने आते थे। तो आप समझ गए होंगे हमारा भारत में जब राजा महाराजाएँ के बच्चे और राजा महाराजा खुद यहाँ पर शिक्षा लेने आते थे, तो हमारा भारत विश्व गुरु तो है ही है, और हम विश्व गुरु के लिए हम सभी लोग आज सभी देशवासी सलूट करते हैं इसे और अपनी भावनाओं के साथ मानते हैं। मेरे भारत जितना राज्य है उतना ही रीति रिवाज, सांस्कृतिक, बोली भाषा में या आप प्यार और असने वाला देश है। देश भर में अलग अलग भाषा होते हुए सबका राष्ट्रीय भाषा हिंदी, जो कि आप किसी भी राज्य में चले जाइए वहाँ पर अनेक भाषाएं मिल जाएंगी, लेकिन आप हिंदी बोलते हैं तो आपका कद्र होता है, आपका हमेशा जो है सलूट होती है और आपको
वह चीज़ मिलेगा जो आप हिंदी में बोल रहे हैं। तो ये है हमारे भारत की ताकत, हमारे राष्ट्र की ताकत, हमारे रीत रिवाज, जो हम अपने भाषा को खुद प्यार करते हैं, खुद अपने प्यार की भावनाओं के साथ चलते हैं। भारत के लोग विभिन्न देशों में रहते हैं, लेकिन जब एक दूसरे कम्युनिकेशन या फ़ोन के माध्यम से या जो है एक दूसरे व्यक्ति भारतीय मिल जाते हैं तो वह हिंदी भाषा में ही बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा या कोई अन्य देश में रह रहे उन भाषाओं को भूल जाते हैं, सिर्फ अपने भाषाओं से प्यार करते हैं। बहुत प्यार और सांस्कृतिक रीति रिवाज में आज हम सभी लोग गौरवान्वित और गर्व करते हैं अपने देश की सांस्कृतिक रीति रिवाज और अपने देश की अनेक भाषाओं से, अनेक जो है या उस उल्लेखित किए गए सांस्कृतिक रीति रिवाज और रीति रिवाज के साथ पारंपरिक नाताओं से। तो आप देख रहे हैं इस वक्त हम उदयपुर में हूँ, राजस्थान, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ की रीति रिवाज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जिस तरह से अनेक ऐसे रंगीली चमकीली राजस्थान और हम लुभावना वाला पर्यटकों का यह बना हुआ है और हम सभी को बहुत बहुत जो है लुभावना जैसा बना हुआ है। कितने लोग जो है भारत के ही रेगिस्तान देखने आते हैं, जयपुर हवा महल देखने आते हैं और जोधपुर में सूर्य की नगरी देखने आते हैं, उदयपुर में झीलों की नगरी, शहर, सबसे बड़ा शहर देखने के लिए, झील ही झील देखने के लिए आते हैं। तो बस आप देख रहे हैं राजस्थान, और आइए और सभी भारतवासियों आपका स्वागत करते हैं, देश विदेश के सैलानियों और पर्यटकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन संपूर्ण भारतवर्ष के लोग करते हैं। बस हम पधारो हमारो देश। तो बस हम यहीं तक, फिर हम आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।